सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। असम में एनआरसी की आखिरी लिस्ट आज जारी की जाएगी। इस लिस्ट से 41 लाख लोगों को बाहर किया जा सकता है। एनआरसी की फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद माहौल खराब होने की आशंका को देखते हुए राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ड्राफ्ट आने के बाद अफवाह के चलते किसी किस्म की घटना न हो, इस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। कई जगहों पर धारा 144 भी लगाई गई है। राज्य में दो टोल फ्री नंबर हर वक्त लोगों के लिए सेवा में है। इस टोल फ्री नंबर का मकसद अफवाहों पर लगाम लगाना है। गुवाहाटी में एनआरसी को ऑर्डिनेटर ऑफिस पर खास तौर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस ऑफिस से ही पूरी एनआरसी की प्रक्रिया संचालित होती है। यूपी के सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर जाएंगे, इसके बाद दिग्विजय नाथ महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एबीपी गंगा के कार्यक्रम टाउन हॉल में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर का भी दौरा करेंगे। यहां वो करीब 2.25 घंटे तक रहने के दौरान जिला अस्पताल में निशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी सिद्धार्थनगर में पौधारोपण करेंगे। लोहिया कला भवन में इंसेफ्लाइटिस पर आयोजित गोष्ठी में शामिल होंगे। इसके अलावा विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। भाजपा नेता चिन्मयानंद केस में सोमवार को सुनवाई तक पीड़िता दिल्ली में रहेगी। शाहजहांपुर से माता पिता को लेकर दिल्ली पुलिस राजधानी पहुंचेगी, बेटी से मुलाकात कराएगी। सिर्फ माता पिता के मिलने की इजाजत दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा सितंबर के दूसरे हफ्ते में रिटायर होने वाले हैं। खबर है कि उसके बाद उन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि नृपेंद्र मिश्रा ने रिटायर होने का फैसला लिया है। पीएम ने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा ने 5 साल देश को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई। वो यूपी कैडर 1967 बैच के IAS हैं। समन जारी करते हुए कोर्ट ने वायनाड के कांग्रेस सांसद को 3 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। राहुल ने एक रैली में चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता ने कोर्ट का रुख किया था। घाटी में सामान्य होते हालात के बीच आतंकी बौखलाए हुए हैं। आतंकियों ने स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों को दुकानें न खोलने की धमकी दी है। आतंकी संगठन हिजबुल के नाम से जारी चिट्ठी में कहा गया कि दुकानदार अपनी दुकानें न खोलें और घाटी में बाजार बंद रहने चाहिए। साथ ही वाहन चालकों को भी यह कहकर धमकाया गया है कि घाटी में चलने वाले वाहनों के नंबर आतंकियों के पास हैं। स्कूलों को लेकर भी आतंकियों ने चेतावनी जारी की है। चिट्ठी में कहा गया है कि सड़कों पर कोई भी स्कूल जाती लड़की लड़के नहीं दिखने चाहिए। कहा गया कि माँ और बेटियां घर में ही रहें, क्योंकि उनकी इज्जत अब खतरे में है। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया है। कोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ता की याचिका पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। मोदी राज के सबसे सुस्त रफ्तार में विकास दर, आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को लगा झटका। देश की विकास में दर्ज हुई गिरावट, पहली तिमाही में विकास दर 5.8 से घटकर 5% हुई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले वित्त वर्ष की 12.1% की तुलना में 0.6% की दर से आगे बढ़ सका है। वही एग्रीकल्चर और फिशिंग सेक्टर में पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 5.1% की तुलना में 2% की दर से आगे बढ़ा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो यहां 5.7% की तेजी रही, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 9.6% की तुलना में 3% से अधिक गिरावट है। फाइनेंशियल रियल इस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 6.5% की तुलना में 5.9% की दर से आगे बढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई समेत अन्य सेक्टर में मामूली तेजी देखने को मिली है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मोदी सरकार ने उठाए कदम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बड़े बैंकिंग सुधार का किया ऐलान, कहा 3 लाख फर्जी कंपनियां बंद की गईं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य पर काम जारी। कहा बैंकों में किए गए बड़े सुधार। बैंकों ने उपभोक्ताओं के हित में की कई घोषणाएं। कम वक्त में ज्यादा लोन की स्कीम जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा भगोड़ों की संपत्ति पर कार्रवाई जारी रहेगी। नीरव मोदी जैसे मामले रोकने के लिए बढ़ती जा रही है सतर्कता। वित्त मंत्री ने बताया कर्ज वसूली अभी रिकॉर्ड स्तर पर। कहा 250 करोड़ से ज्यादा के कर्ज पर रखेंगे नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। कहा 14 पब्लिक सेक्टर बैंकों का मुनाफा बढ़ा। बैंकों में कर्मचारियों की छटनी नहीं हुई। एनपीए 8.65 लाख करोड़ से घटकर 7.90 लाख करोड़ रुपए हुआ। देश के कई बड़े बैंकों का हुआ विलय। 10 बैंकों को मिलाकर बने 4 बैंक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। पीएनबी यूनाइटेड और ओरिएंटल बैंक का विलय। केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का विलय। यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का विलय। पीएनबी बना देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। विलय से खाता धारकों पर कोई फर्क नहीं। देश भर में 150 से ज्यादा जगहों पर सीबीआई ने किया अचौक छानबीन। सीबीआई की कार्रवाई पीएम मोदी के इज ऑफ लिविंग पहल पर आधारित। उन जगहों पर हुई अचौक छानबीन जहां भ्रष्टाचार की आशंका सबसे ज्यादा। सीबीआई रेट उन सरकारी जगहों पर हो रही है जहां आम नागरिक या छोटे व्यापारी भ्रष्टाचार को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। सीबीआई टीम की अचौक छानबीन रेलवे, कोल माइंस, मेडिकल, हेल्थ केयर संस्थानों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बिजली ट्रांसपोर्ट, जीएसटी डिपार्टमेंट, सरकारी बैंक, वित्तीय संस्थान, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, कृषि, नगर निगम से जुड़ी हुई थी। सीबीआई की कार्रवाई दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, देहरादून समेत देश के 26 शहरों में की गई। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन कब्जाने के आरोपों से घिरे भूमाफिया घोषित हो चुके आजम खान पर एक नया आरोप लगा है। आजम खान के खिलाफ रामपुर में ही भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। रामपुर में सपा सांसद आजम खान की बड़ी बहन को पुलिस ने उनके घर से उठा लिया। पुलिस निकाहत को थाने ले गई और उनसे पूछताछ की गई। निकाहत सपा सांसद आजम खान की बड़ी बहन है और मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की कोषाध्यक्ष भी है। मुजफ्फरनगर में एक आरएसएस नेता को गोली मारे जाने की वारदात हुई। आरएसएस के जिला बौद्धिक प्रमुख सोमपाल सोनी को उस वक्त गोली मारी गई जब वह खेत में काम कर रहे थे। गंभीर रूप से घायल सोमपाल को मेरठ रेफर कर दिया गया है। वाराणसी में पुलिस ने अवैध विदेशी सिगरेट फैक्ट्री को भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहाँ करीब 10 करोड़ का माल जब्त किया है। कानपुर में सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम कैंट बोर्ड के ऑफिस में पहुंची। सीबीआई की टीम ने कई घंटे तक बोर्ड के ऑफिस में पूछताछ की। इस दौरान किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। सीबीआई के यह छापा जमीन से जुड़े मामले और टेंडर में अनियमितताओं की शिकायत को लेकर मारा गया। बलरामपुर में सीएम योगी के कार्यक्रम में अनोखी तस्वीर देखने को मिली जहां सीएम के साथ मंच पर बैठे श्रावस्ती से विधायक खर्राटे भरते नजर आए। फिट इंडिया कार्यक्रम में विधायक ही नहीं अधिकारी भी नींद देते दिखाई दिए। प्रेरणा ऐप के विरोध में मंत्री ने कहा कि विरोध करने वाले वो लोग हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी की मिलीभगत से लापरवाही करते आए हैं। बता दें कि प्रेरणा ऐप से शिक्षकों को मिड डे मील और छुट्टी के वक्त बच्चों के साथ सेल्फी अपलोड करनी होगी। साथ ही मंडल स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड गठित भी की गई है। मुरादाबाद में पुलिस की गिरफ्त में लुटेरी दुल्हन। ससुराल वालों के खाने में मिला है नशीला पदार्थ। बेहोश होने पर गहने समेत रिश्तेदार के साथ फरार। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन रिश्तेदार को किया गिरफ्तार। कन्नौज में लापता इंजीनियर का नाले से मिला शव। हत्या कर शव को नाले में फेंकने की आशंका। 15 अगस्त से लापता था इंजीनियर। 26 अगस्त को परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। महोबा में किसान को गोली मारकर हत्या। खेत की रखवाली करने के दौरान मारी गई गोली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। दबंग पर रंजिशन हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में फेसबुक पर धोखेबाज प्यार का मामला आया सामने। शादी का झांसा देकर युवती से किया रेप। 8 महीने से कर रहा था युवती का शोषण। अवैध संबंध बनाने के बाद शादी से किया इनकार। पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। वाराणसी में ठेकेदार के खुदकुशी मामले में कार्रवाई जारी है। चीफ इंजीनियर ने जिम्मेदारी नहीं निभाने के आरोप में जेई एई समेत 3 को निलंबित कर दिया है। दरअसल ठेकेदार ने चीफ इंजीनियर के चैम्बर में ही आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में कमीशनखोरी को वजह बताया था। वाराणसी में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर गोलीकांड हुआ है। घायल शख्स को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। ये पूरी वारदात लंका थाना इलाके की है। यूपी में बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी है। मेरठ में लूट करके फरार हो रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी जिस पर 25,000 का इनाम था।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक दरोगा समेत चार शातिर बदमाश घायल हुए। चेकिंग के वक्त बादलपुर में कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, लेकिन बदमाश वहां से भागे तो दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली। मथुरा के राजकीय बाल शिशु गृह में अचानक 11 बच्चों के बीमार होने से हड़कंप मच गया। फूड पॉइजनिंग की वजह से 2 बच्चों की जान चली गई। 4 बच्चों को आगरा रेफर किया गया है तो 5 बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बच्चों की तबीयत खराब होने की खबर काफी देर तक छिपाए गए। एबीपी गंगा पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने छानबीन शुरू की और मुख्य विकास अधिकारी ने लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बाराबंकी में अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला, जहां तंत्र मंत्र के बल पर एक तांत्रिक ने मरे हुए शख्स को जिंदा करने का दावा किया और कब्र से लाश को निकलवाकर फोन पर काला जादू करने का दावा करता रहा। हालांकि जब लड़की जिंदा नहीं हुई तो लोगों ने दोबारा उसे दफन कर दिया। बरेली में चोरी छिपे गांव में घुसना दिल्ली पुलिस को पड़ा महंगा। भीड़ ने बच्चा चोर समझकर टीम को घेरा। दिल्ली पुलिस को बच्चा चोर समझकर भीड़ द्वारा घेरने का वीडियो आया सामने। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस के पहुंचने पर बची दिल्ली पुलिस। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के वेलकम थाने की एक टीम सिविल ड्रेस में पहुंची थी भोजीपुरा के भूड़ा गांव। दहेज उत्पीड़न के मामले में समन तालीम कराने पहुंची थी दिल्ली पुलिस। लोगों की भीड़ ने बच्चा चोर समझकर घेरा। बुलंदशहर में परिवार को जिंदा जलाने की हुई कोशिश। नकाबपोशों ने रंजिश में पेट्रोल डालकर घर में लगाई आग। छत से भागकर महिला ने बचाई अपनी और बच्चों की जान। मुजफ्फरनगर में कचहरी परिसर जंग का अखाड़ा बन गए, जहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल 8 आरोपियों को सपा नेता के भाई की हत्या के आरोप में सजा सुनाई थी। तभी कचहरी के बाहर किसी बात को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई और 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीलीभीत के वेलसंडा सीएचसी में बच्चा चोरी होने से हड़कंप मच गया। आरोपी बच्चा चोर बाबा के भीष में आया था। बच्चा चोरी की यह घटना 28 अगस्त की रात की है। पुलिस अभी बच्चे की तलाश कर रही है। लखीमपुर में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर पुलिस ने पोस्टर चिस्पा कर दिए हैं और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है, साथ ही अनाउंस कर लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई। लखीमपुर में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते एक महिला को ग्रामीणों ने पकड़कर बुरी तरह पीट दिया। ग्रामीण महिला को पीटते हुए ले गए और उसे पेड़ से बांध दिया। यूपी में फिर सामने आई मॉब लिंचिंग की वारदात। संभल में बच्चा चोरी के शक में उग्र भीड़ ने शख्स की ली जान, पीट पीट कर मार डाला। बरेली में नवाबगंज थाने में विहिप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अवैध मदरसे के निर्माण की बात को लेकर किया प्रदर्शन। इंस्पेक्टर से हुई तीखी नोकझोंक। इंस्पेक्टर ने कही थी घर का निर्माण होने की बात। विहिप कार्यकर्ता और इंस्पेक्टर के बीच तीखी बहस हो गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डीजीपी ओपी सिंह को मानद उपाधि देने पर विवाद हो गया है। कई टीचर्स और छात्र संघ के पदाधिकारियों ने मानद उपाधि देने का विरोध किया है, यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। दरअसल 5 सितंबर को मानद उपाधि देनी है। नाराज लोगों की माने तो ये उपाधि एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियतों को दी गई। यूनिवर्सिटी की केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद पहली बार राज्य के डीजीपी को ये उपाधि देना सही नहीं। वैसे भी ओपी सिंह के कार्यकाल में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। प्रयाग जंक्शन और प्रयाग घाट रेलवे स्टेशन के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। रेलवे के कारखानों के निजीकरण का भी विरोध जताया है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि स्कूल वाहनों को लेकर नई गाइडलाइंस की स्कूली छात्रों को परेशानी हो रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों को प्रशासन ने खदेड़ दिया, लेकिन राकेश टिकैत ने समाधान न होने तक प्रदर्शन की बात कही है। पिथौरागढ़ में ग्रामीणों ने की डीएम ऑफिस पर आत्मदाह की कोशिश। इलाके के कुछ लोग करना चाहते हैं किसान की जमीन पर कब्जा। शिकायत के बाद भी कार्रवाई को तैयार नहीं अधिकारी। उन्नाव में इंसाफ न मिलने को लेकर एक रेप पीड़ित और उसकी मां ने डीएम दफ्तर में की आत्मदाह की कोशिश। लड़की के साथ गांव के ही 3 युवकों ने किया था बलात्कार। लखनऊ में तेज रफ्तार 2 बसें आपस में टकरा गई। टक्कर लगने के बाद बस में सवार कुछ लोग हुए घायल। हजरतगंज इलाके के बैकुंठ धाम ओवरब्रिज पर हुआ भीषण हादसा। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसे से हड़कंप मच गया, जहां रोड़ी से भरा डंपर पैदल चल रहे 2 लोगों पर पलट गया। हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना इंद्रापुरम थाना इलाके के छिजारसी कट की है। आगरा में आग का तांडव देखने को मिला, जहां जूते की फैक्ट्री में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कार सवार युवक और उसके चाचा ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड सूचना देने के कुछ देर बाद पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जल चुकी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के मेरिट वाले जिलों में तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। कहा है कि जनरल कैटेगरी में आरक्षित वर्ग को भी मनपसंद जिलों में तैनाती का फायदा मिलना चाहिए। गाजियाबाद में पुलिस ने 3 लापता नाबालिग बच्चों को मोहन नगर से बरामद किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर छाने के लिए ये बच्चियां अपने डांस टीचर के साथ इंदिरापुरम से फरार हो गई थी और ग्लैमर की दुनिया में फेमस होना चाहती थी। नोएडा में प्लास्टिक को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। सेक्टर 58 के सिटी मजिस्ट्रेट ने प्लास्टिक की अवैध कंपनी से करीब 40 टन प्लास्टिक बरामद की। यहां से टीम ने फैक्ट्री को सीज करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गाजियाबाद में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप की बरामद। पुलिस ने यहां करीब 60 लाख की नशीली दवाइयां पकड़ी और 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 सितंबर से धर्मशाला में शुरू हो रही भारत की 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। BCCI ने टीम का किया ऐलान। टीम में हुई हार्दिक पांड्या की वापसी। धर्मशाला में 15 सितंबर से दक्षिण अफ्रीका भारत की टीम में नहीं दिखा धोनी का नाम। अटकलें थी कि टीम का चयन T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में माही का होना बन गया है एक सवालिया निशान। गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को इंतजार करने को कहा। गंभीर का मानना है अजिंक्य और हनुमा बिहारी दे रहे हैं शानदार परफॉर्मेंस। भारत टेस्ट 11 को अभी है इनकी जरूरत। रोहित को करना होगा वेट। प्रो कबड्डी सीजन 7 में खेले गए 64वें मुकाबले में बंगाल वॉरियर्स ने तमिल थलाईबाज को दी मात। तमिल थलाईबाज के अजय ठाकुर ने जुटाए थे 10 अंक। जीत के साथ बंगाल के हुए 39 अंक, पहुंची नंबर 2 पर। निशानेबाज अभिषेक वर्मा और सौरभ ने किया देश का नाम रोशन। शानदार प्रदर्शन करते हुए ISSF वर्ल्ड कप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। वहीं सौरभ चौधरी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 6 बार की विश्व चैंपियन रही भारतीय महिला मुक्केबाज MC मैरीकॉम को एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का मिला पुरस्कार। 36 साल की मैरीकॉम एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में देश को दिलाए हैं 7 पदक। वर्ल्ड कप 2019 के दौरान संन्यास ले चुके अंबाती रायडू का यू टर्न। बोले ट्रायल के लिए फिट, भावुक होकर लिया था संन्यास का फैसला। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।